नगर निगम प्रशासन शहर को जाम व जल जमाव की समस्या से मुक्त करने के लिए अतिक्रमण के खिलाफ लगातार अभियान चला रहा है। गुरुवार को अभियान के छठवें दिन विजय चौक से शुरुआत की गई। नालों के ऊपर अवैध रूप से पक्के निर्माण कराकर अतिक्रमण करने वालों पर अर्थदंड लगाते हुए पक्के निर्माण को ध्वस्त किया गया। इस संबंध में नगर आयुक्त अंजनी कुमार सिंह ने कहा कि पिछले 6 दिनों से लगातार नालों के अतिक्रमण मुक्त कराया जा रहा है और नालों पर अतिक्रमण करने वाले दुकानदारों पर अर्थदंड भी लगाया जा रहा है। अतिक्रमण करने वालों को सख्त चेतावनी भी दी गई है कि अगर आगे से अतिक्रमण पाया गया तो कठोर कार्रवाई की जाएगी। इस दौरान नगर आयुक्त अंजनी कुमार सिंह, अपर नगर आयुक्त AK सिंह, नगर स्वास्थ्य अधिकारी, पुलिस विभाग और भारी संख्या में नगर निगम के कर्मचारी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुन्नी से बात करते हुए नगर आयुक्त अंजनी कुमार सिंह ने कहा, ये विजय चौराहे से शुरू करके जहाँ तक हम लोग पहुँच पाएंगे
वहाँ तक नाले के ऊपर का अतिक्रमण ध्वस्त किया जाएगा। आप देख सकते हैं हमारे पीछे लगातार मशीनें काम कर रही हैं और नाले के ऊपर जो परमानेंट स्ट्रक्चर लोगों ने बना लिए हैं उसका ध्वस्त किया जा रहा है। हाँ बिल्कुल, सभी लोगों ने जितना जितना एरिया नाला का कवर किया है उस पर कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, उस क्षेत्रफल के हिसाब से सभी पर अर्थदंड लगाया जाएगा और उसको वसूला जाएगा।